मैं हूँ आपका होस्ट अवेस, और ये है मेरा चैनल क्लैश विद अवेस, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस। उम्मीद है आपने सारे ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो तुरंत जाके देखिएगा। CWL पूरा हो चुका है हमारा, CWL के सारे बैटल्स मैंने डाले हैं, और CWL के लिए कई सारी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी डाले और कई सारी स्ट्रेटजीज भी डाली है, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी टाउन हॉल 12 की एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी की तरफ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए गो विच स्ट्रेटजी सुपर विजार्ड्स के साथ, यानी गो स्वी विच मैं नाम दे रहा हूँ इसको। जैप करना है यहाँ पर हमें, यानी कि इन्फर्नोस डाउन करने, और गो विच आर्मी तो आपको पता ही है कि कितनी औसम है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, देख लेते हैं आज की आर्मी में यूज़ करने वाला हूँ। देखिए आज की आर्मी में यूज़ करने वाला हूँ 3 गोलम्स, 10 विचेस और 7 सुपर विजर्ड्स। गोलम का मैक्स लेवल 9 होता है और मेरा एक लेवल बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई करेंगे बेस्ट अटैक करने की। और स्पेल्स में मैंने लिए है 8 लाइटनिंग स्पेल्स, 1 फ्री स्पेल और 2 अर्थक्वेक स्पेल्स। और CC में मैंने लिए है पेका, आइस गोलम, फ्रीज, पॉइजन और लॉग लॉन्चर। सो चलिए गाइस, आपने आर्मी देख ली है, अब ये देखिए 5th बैटल डे में मैंने अटैक किया है, नंबर 11, द मोस्ट अनबिलीवेबल अटैक है ये गाइस। TH-13 के ऊपर 3 स्टार किए गाइस, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन TH-13 पर इस स्ट्रेटजी से मैंने 3 स्टार किया है, वो भी मेरा ट्रैप बेस, यही बेस मैं वॉर में यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। देखिए मेरा बेस भी दिखा रहा हूँ आपको, सेम बेस है, वही टाउन हॉल 13 पे ही सेम बेस पे अटैक करने वाला हूँ मैं। चलिए फिर बढ़ते हैं मेरे अटैक की तरफ, दिखाता हूँ आपको किस तरह से अटैक एक बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार हुआ है गाइस। लेट स्टार्ट द रिप्ले। ये देखिए, ये एक्सपो के साथ इन्फर्नो के साथ एक्सपो को डैमेज देना है, और यहाँ पर भी इन्फर्नो के साथ एक्सपो को डैमेज देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपसे नहीं हो तो एग्जैक्टली इन्फर्नो पर ही डालें, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फर्नो पर लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं हुआ तो आपका इन्फर्नो डाउन नहीं होगा, जिससे कि आपका अटैक भी फेल हो सकता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अटैक की तरफ, हम अटैक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए एस प्लान, एक्सपो और इन्फर्नो दोनों को डैमेज मिल चुका है, और लाइटनिंग और अर्थक्वेक मैंने यूज़ कर लिया। अब डाल देंगे सारे गोलम्स, लॉग लॉन्चर और फिर विचिस और बारबेरियन किंग और सुपर विजार्ड। आर्चर क्वीन और वार्डन मेन होते हैं अटैक में, तो इसलिए उन्हें मैं लास्ट में डालूंगा, तब फनल हो जाए और वे क्लियर हो जाए तभी उन्हें डालूंगा। देखिए फनल और वे क्लियर हो चुका है, तब मैंने डाल दिया आर्चर क्वीन और फिर वार्डन। तो अब यूज़ कर लेंगे हमारी वार्डन एबिलिटी ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गीगा इन्फर्नो के डैमेज से। देखिए वार्डन एबिलिटी यूज़ हो चुकी है, और अब CC में से निकल चुके हैं 2 ड्रैगन्स, तो उन पर मैंने डाल दिया है पॉइजन। और अब हमारा आइस गोलम और पेका स्कैटर शॉट्स के डैमेज ले रहे हैं, जिससे कि हमारे पीछे के ट्रूप्स प्रोटेक्टेड है, और ये आइस गोलम का आइस इफेक्ट जिससे कि एक स्कैटर शॉट फ्रीज हो चुका है, और इसी के साथ एक स्कैटर शॉट डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, सेकेंड स्कैटर शॉट भी हो चुका है डिस्ट्रॉयड गाइस। और अब ईगल आर्टिलरी की बारी, इसी के साथ ईगल आर्टिलरी भी हो चुकी है डाउन, अब बचे सिर्फ मेन एक इन्फर्नो, आर्चर टावर्स, दो विजर्ड टावर्स, 2 कैनन, और अब क्वीन की एबिलिटी यूज करके हम इन्फर्नो को भी डाउन कर देंगे इजीली। यो सो अब इसी के साथ हमारा अटैक हो जाएगा एक 3 स्टार अटैक, क्योंकि अब बचे सिर्फ एक कैनन भी हो चुका है डाउन, 2 विजर्ड टावर और वार्डन बचा है अपोनेंट का, सो इजीली अटैक हमारा हो जाएगा 3 स्टार, द मोस्ट अनबिलीवेबल अटैक अगेन टाउन हॉल
12 वर्सेस टाउन हॉल 13 अटैक था ये गाइस, इसे भी हम 3 स्टार कर लिए यूजिंग दिस ऑसम आर्मी। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप टाउन हॉल 12 पे हो, बहुत ही बढ़िया आर्मी है। चलिए गाइस अब दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, एक दूसरी स्ट्रेटजी है गोलम एवेलेंस नाम है, 4 गोलम, 1 आइस गोलम और 14 सुपर विजर्ड्स और जैप जो है वो सेम ही है। अब ये देखिए यहाँ पर ईगल आर्टिलरी है और उसके साथ 2 इन्फर्नोज है, तो दोनों इन्फर्नोज और ईगल आर्टिलरी दोनों एक साथ लेने की ट्राई करेंगे। देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, और ये ईगल आर्टिलरी पे डालने के वजह से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, लास्ट इन्फर्नो एक बच गया है लेकिन ईगल आर्टिलरी और एक इन्फर्नो इजीली डाउन हो चुका है। और अब हम डाल देंगे 4 गोलम्स, सेंटर में आइस गोलम और फिर लॉक लॉन्चर, फिर 10 सुपर विजर्ड डालेंगे पहले और जायंट डाल देंगे। जैसे ही फनल क्रिएट हो जाए हम डाल देंगे बाकी के हीरोज और सुपर विजर्ड जो बचे हुए वो। पॉइजन हमने इसलिए लिया क्योंकि वॉर अटैक्स में मेनली सुपर मिनियन और इलेक्ट्रो अटैकर निकलते तो उन्हें ईजीली पॉइजन रोक लेता, इसलिए पॉइजन लिया है सीसी में। अब ये देखिए टीएस एक्टिव हो चुका है और एक इन्फर्नो को हमने फ्रीज कर दिया है। सेंटर में हमारा बार्बरियन किंग गोलम और आइस गोलम है, एक आइस गोलम का फ्रीज देखिए एग्जैक्टली टाउन हॉल पे पड़ा है। और अब थोड़ी देर बाद परफेक्टली प्लेस कर देंगे हमारी वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लेंगे। देखिए परफेक्टली वार्डन एबिलिटी यूज़ हो चुकी है हमारी। और अब जो लास्ट इन्फर्नो जो हमने थोड़ा सा बच गया उसे थोड़ा सा डैमेज मिलता है वो डाउन हो जाएगा देखिए, और लास्ट इन्फर्नो भी डाउन हो चुका है इसी के साथ। अब हमारे सुपर विजर्ड बचे एक तरफ आर्चर क्वीन के साथ और वार्डन दोनों फुल हेल्थ पे, और यहाँ पर देखिए गोलम के साथ है बार्बेरियन किंग और पेका और स्कैटर शॉट उन पर अटैक करते हुए। मेन ये स्कैटर शॉट डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर हमारा अटैक इजीली एक 3 स्टार हो सकता है। और वहाँ पर बार्बेरियन किंग भी अटैक कर रहा है और इसी के साथ स्कैटर शॉट हो चुका है डाउन और बार्बेरियन किंग भी डाउन हो चुका है ओपोनेंट का। हमारा बार्बेरियन किंग थोड़ी सी हेल्थ पे बचा हुआ है और उसके साथ है गोलम। आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे और एबिलिटी भी बची हुई है तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजिली अटैक भी एक 3 स्टार अटैक हो सकता है। देखिए अब गोलम के साथ पीछे बचा हुआ है बार्बेरियन किंग हमारा और आर्चर क्वीन जो है वो फुल हेल्थ पे, गोलम डाउन हो चुका है, बार्बेरियन किंग डाउन हो चुका है, गोलम का गोलम हाइट बचा है सिर्फ छोटा वाला गोलम, आर्चर क्वीन अभी भी हाफ फुल हेल्थ पे है। और इसी के साथ लास्ट आर्चर क्वीन एबिलिटी भी हमने यूज कर लिया और इसी के साथ अटैक हो चुका है एक 3 स्टार गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब, आपको इजी स्ट्रेटजी मिलते रहेंगी यहाँ पर। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।